गाइस आप देखो कितना अच्छा फ्लावर इसमें बना हुआ है और काफी बड़ा, आप देखो जितनी बड़ी ट्रॉली ट्रक आती है उतना बड़ा है ये गाइस पूरी। गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, जय श्री राम, मैं पवन यादव। गाइस आज हम आपको दिखाते हैं अपने जो शहर में अयोध्या शहर में कंस्ट्रक्शन हो रहा है उस साइड में आपको दिखाता हूँ और एक बहुत ही अच्छी चीज दिखाता हूँ जो अभी न्यू है और काफी अट्रैक्टिव लगता है, बने रहिएगा इस वीडियो में। तो चलते हैं अयोध्या की ओर और आपको दिखाते हैं मोबाइल बाजार से होते हुए ये टेढ़ी बाजार होते हुए निकलती है अयोध्या की ओर। तो चलते हैं गाइस यहाँ पे आगे, फिर आपको दिखाते हैं बाजार के पास। गाइस ये देखिए मोबरा बाजार वाली रोड जाती है अयोध्या की ओर, देखिए कितना कंस्ट्रक्शन हो रहा है और यहाँ पर ओवर ब्रिज बन रहा है तो बहुत जोरों शोरों से इधर भी काम चालू है। और सिटी में बहुत ऐसी जगह पे है जहाँ पर ओवर ब्रिज बन रहा है काफ़ी ज़्यादा और जो अगल बगल घर रहता है उसको भी तोड़ा जाता है क्योंकि रोड काफ़ी ज़्यादा चौड़ी भी होगी, ओवर ब्रिज बन रहा है। जैसे कि हमारे पीछे ये फील्ड देखिए, पहले यहाँ पे कोयला उतरता था और इस साइड भी देखिए अभी कोयला रखा गया है, पहले काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे कोयला उतरता था और यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता था पूरे शहर में, तो अब बंद कर दिया गया क्योंकि रोड बंद हो गया है, अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है ओवर ब्रिज की वजह से। फिर जब हो जाएगा तो उसके बाद फिर ये कोयला चालू हो जाएगा, खदान जो मतलब ट्रांसपोर्ट होता था ट्रेन से आता था, फिर यहाँ से सिटी में बहुत जगह ट्रांसपोर्ट होता था बाई ट्रक। ओवरब्रिज के पास देखिए यहाँ पर ओवरब्रिज जाना, पहले काफी पतली सड़क थी अब यहाँ पे चौड़ा हो जाएगा और इसके अगल बगल जो घर था वो भी तोड़ा जा रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे। तो देखिए गाइस यहाँ पे ओवरब्रिज बन रहा है, चालू हो गया है, मतलब आधा देखिए जो इसका बेस होता है वो बन गया है और इधर साइड घर देखिए पहले यहाँ सब लोग रहते थे, इस साइड पूरा तोड़ दिया गया है, देखिए इस साइड के लोग को मुआवजा मिल जाएगा, फिर ये कहीं और बनाएंगे। चलते हैं इसके आगे और फिर दिखाते हैं। और इस देखिए इस साइड से अभी टेम्परेरी रोड बना दिया गया जाने के लिए और देखिए काफी जोरों शोरों से काम चालू है ओवरब्रिज का। देखिए कितना बारिश हुआ था, पानी भर गया है पूरा और इस साइड देखिए, और यहाँ पे ट्रेन का जो नीचे का बेस होता है जो सीमेंट का रहता है जिसे ट्रैक बिछाई जाती है वो भी रखा गया क्योंकि यहाँ रेलवे का भी काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो दर्शन नगर रेलवे नगर जो रेलवे है वो डबल लाइन हो रहा है काफ़ी दूर से और ये देखिए यहाँ पर पूरा ढेर सारा रखा गया है सीमेंट का जो होता है पोल टाइप में जाएगा और ये ट्रस्ट की ज़मीन है, इसे सीधे आप जाएंगे तो सीधा आप निकलेंगे टेढ़ी बाजार के पास। और गाइस ये तुलसी उद्यान गार्डन जो हनुमानगढ़ी से नया घाट की तरफ जाता है नदी की तरफ, वो वहाँ पे रास्ते में पड़ता है तो यहाँ पे आराम कर सकते हैं, घूम सकते हैं और यहाँ पे फास्ट फूड की दुकान वगैरह भी लगती है बगल मतलब बाहर, तो आप खा पी के आराम से घूमिए टहलिए और गार्डन का व्यू लीजिए, काफ़ी अच्छा कमाल वाला हमारा बना हुआ है बट अभी चलता नहीं है। और ये देखिए काफ़ी बढ़िया लग रहा है ये मंदिर। अभी हम खड़े हैं लता मंगेशकर चौराहे के पास, ये हाईवे के किनारे पड़ता है एकदम बीच चौराहे पे ही, और इसके उस तरफ जाएंगे तो नया घाट आप पहुंचेंगे और इसके आप पीछे हमारे जाएंगे इस साइड वही साइड हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि ये सब पड़ता है और आप इस साइड जाएंगे तो नवाबगंज जाएंगे नदी उस पार। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है काफ़ी अच्छा, ये चौराहा बन रहा है काफ़ी बड़े में, तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। लता मंगेशकर चौराहा और ये देखिए यहाँ पे चौराहे का कंस्ट्रक्शन हो रहा है काफ़ी अच्छा, ये बन रहा है बहुत बड़ा और यहाँ पे फुहारा वगैरह भी लगेगा बहुत बढ़िया से, मैं थोड़ा आपको पास से चल के दिखाता हूँ। और इस साइड आप देखो बड़े बड़े पिलर लग रहे हैं इस साइड और ये जाता है सीधा राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी की तरफ और फैज़ाबाद अयोध्या सिटी के अंदर जाना, इस साइड से भी आप जा सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए जो राम जन्मभूमि वाला जो पत्थर लगता है वहाँ इसमें भी वही लग रहा है और काफ़ी बढ़िया लगता है और कमल का डिज़ाइन दिया गया है इसमें, आप देखो ऐसे करके कमल की पत्ती बनाई गई है टाइल पत्थर से। और इस साइड आप देखो काफ़ी बड़ा चौराहा बनेगा गोल गोल, सबसे बड़ा पूरे अयोध्या में बन रहा है और पास से आके दिखाता हूँ। इस साइड आप देखो वाइट मार्बल लग रहा है, ये वाइट मार्बल की कटिंग हुई है और वाइट मार्बल की डिज़ाइन भी बन जाएगी और ऐसे पूरा देखिए गोल गोल बन रहा है, काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन लगेगी और जब पूरा तैयार हो जाएगा काफ़ी बढ़िया लगेगा। तो आज विश्वकर्मा पूजा तो वहाँ पर पूजा हो रहा है तो इसीलिए काम बंद है, देखिए सारे लेबर जो हैं सब एकजुट हैं और पूजा हो रही है उस साइड। और इधर हनुमान जी की मूर्ति भी है काफ़ी बढ़िया है, बहुत छोटे में बनी है लेकिन काफ़ी अच्छा लगता है। और इस साइड देखिए अभी कटिंग हो रही है मार्बल की, उस साइड ग्रिल की जो वेल्डिंग हो रही है वो हो रही है और मैं दिखाता हूँ आपको इस साइड आप देखो और काफ़ी बढ़िया लगेगा ये गाइस, देखिए पत्थर का बना हुआ है काफ़ी प्यारा लग रहा है।
आज विश्वकर्मा पूजा है, तो आज विश्वकर्मा पूजा की यहाँ पे पूजा हो रही है और काफी सब लोग बैठे हुए हैं। तभी हम थोड़ा पूजा भी दिखाते हैं। और इस साइड देखिए घास वगैरह भी अच्छा खासा जम गया है, काफी अच्छा लगता है। जब ये पूरा तैयार हो जाएगा गाइस काफी बढ़िया लगेगा। और यहाँ पे लता मंगेशकर इसको चौराहा कहते हैं, और यहाँ पे काफी बड़ा सरस्वती माता का बीड़ा आया है, काफी बड़ा है, उसकी लंबाई 40 फुट है। आपको थोड़ा दिखाते हैं गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि ये है लता मंगेशकर चौराहा। तो लता मंगेशकर के चौराहा जो है, आप मेरे पीछे आप देखो इतना बड़ा बीड़ा है जो मैंने आपको बताया था। तो चलिए पास में आपको दिखाते हैं, काफी लंबा गाइस ये है। तो गाइस आप देखो जो मैंने आपको चौराहा बताया लता मंगेशकर चौराहा, उसी बीच में ये लगेगा, काफी बड़ा ये बीड़ा है सरस्वती माता जी का। और इसमें सरस्वती माता जी बनी भी हैं, लक्ष्मी जी बनी है। तो और आपको मैं दिखाता हूँ पास से। गाइस आप देखो कितना अच्छा फ्लावर इसमें बना हुआ है, और काफी बड़ा, आप देखो जितनी बड़ी ट्रॉली ट्रक आती है उतना बड़ा है ये गाइस, पूरी इसकी इतनी लंबाई भी है, आप देखो काफी बड़ा ये बना हुआ है। तो गाइस इस वीडियो को एंड करते हैं, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर।